नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा और स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। डेंगू से निजात दिलाएगी मछली, मछली करेगी मच्छर के लार्वा को नष्ट। एंटीबायोटिक दवाओं से बढ़ता खतरा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग चलाएगा अभियान। इंदौर में बढ़ेगी महिला पुलिसकर्मी, कई थानों में महिला पुलिसकर्मियों की कमी हुई। भोपाल गैस पीड़ितों ने की प्रेस वार्ता, गैस पीड़ितों की मौत का आंकड़ा जारी। भोपाल गैस पीड़ितों के चार संगठनों ने पत्रकार वार्ता कर कोरोना संक्रमण से हुई गैस पीड़ितों की मौत का आंकड़ा जारी किया है। गैस पीड़ित संगठनों ने मृतकों के परिजनों को डाव केमिकल से मुआवजा दिलवाने की मांग की है। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना डिंगरा का कहना है कि देश भर में फैले कोरोना संक्रमण का भोपाल गैस पीड़ितों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अब तक भोपाल शहर में कोरोना संक्रमण से करीब 450 मौत हुई है, जबकि इनमें से 254 लोग गैस पीड़ित शामिल हैं। यानी कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में 56% लोग गैस पीड़ित हैं। मृत्यु दर का आंकड़ा गैर गैस पीड़ितों से 6.5 गुना ज्यादा है। इन मौतों की भरपाई के लिए डाउ केमिकल से मुआवजा दिलवाया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि गैस पीड़ितों को लेकर अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है। समय पर उनकी ना तो जांच हो रही है और ना ही उपचार हो रहा है। गैस पीड़ितों को लेकर जो व्यवस्थाओं के वादे किए गए थे वह भी पूरे नहीं किए गए हैं। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में कोरोना संक्रमण से हुई गैस पीड़ितों की मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। 254 मौतें गैस पीड़ितों की हुई है, यानी कि 56% मौतें गैस पीड़ितों की हुई है, जबकि उनकी जनसंख्या इस जिले में मात्र 17% है। तो ये आप सोचिए, 17% आबादी में के लोगों में 56% मौतें हो जाती हैं, ठीक है, और 83% आबादी में बाकी की मौतें होती हैं। तो ये आंकड़े आज पूरी तरह से सरकार के उस झूठ के ऊपर से पर्दाफाश करते हैं जो ये सालों से कहते आए हैं कि गैस पीड़ितों को मात्र एक दिन के लिए चोट पहुंची थी और अब वो स्वस्थ हो गए हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हम केंद्र एवं राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुधार याचिका में गैस पीड़ितों के को पहुंची स्थायी क्षति के सही आंकड़े पेश करें, COVID-19 की वजह से हुई मौतों के आंकड़े पेश करें और डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड से सही मुआवजा ले। ये एक बहुत दुख की बात है कि एक महामारी, एक विश्वव्यापी महामारी लगी ये समझने के लिए कि गैस पीड़ितों की तकलीफें आज भी हैं और 84 में जो गैस लगी थी उसकी वजह से तकलीफें उनमें आज भी बनी हुई हैं। और ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं कि आज कैसे कत्लेआम जारी है, वो अगर पूरे भोपाल में, जैसे मैंने आपको बताया, 17% जनसंख्या में इतनी मौतें हो रही हैं, अगर आम मौतें होती, अगर गैस पीड़ितों में समस्या नहीं होती तो सिर्फ 74 मौतें होती। तो ये कुल मिला के ये बात है कि मृत्यु दर 6.5 गुना ज्यादा है। सरकार को चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में सही आंकड़े पेश करे ताकि केमिकल डाव केमिकल कंपनी से सही मुआवजा लिया जा सके। और ये बात हम आज नहीं कर रहे, मार्च 21 को जब इस शहर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं था तब हमने बोला था कि 5 गुना ज्यादा गैस पीड़ित इसकी वजह से मरेंगे और आज दस्तावेजों के हिसाब से वो मृत्यु का दर 6.5 गुना ज्यादा है। तो उसी बात पे बोलते हुए विशेष ध्यान देने की जरूरत है और सही आंकड़े पेश करने की। प्रदेश के इंदौर में महिला अपराधों को रोकने के लिए सभी थानों में महिला डेस्क बनाई गई है, लेकिन शहर के ऐसे कई थाने हैं जो महिला पुलिसकर्मी की कमी से जूझ रहे हैं। इसी को लेकर आने वाले दिनों में महिला पुलिसकर्मियों को थानों में बड़ी संख्या में पदस्थ किया जाएगा। बता दें, थानों से कई बार शिकायतें आती हैं कि महिला अपराधों की सुनवाई के लिए कोई भी महिला पुलिसकर्मी थाने पर उपलब्ध नहीं है, तो वहीं सैकड़ों पुलिसकर्मी थाने पर मौजूद रहते हैं जिनमें 2 से 4 ही महिला पुलिसकर्मी नजर आती है। वहीं अब इंदौर DIG का कहना है कि ऐसा कम ही होता है कि महिला की शिकायत सुनने के लिए महिला उपलब्ध ना हो, लेकिन अगर ऐसा किसी थाने में पाया जाता है तो वहां पर महिला पुलिसकर्मियों की पदस्थापना की जाएगी ताकि महिलाओं की शिकायत का त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके।
की जाएगी सर। महिला संबंधी अपराधों में ये अनिवार्य है कि उसमें जो आगे का तैयार हो बाकी बैठानी कार्रवाई हो महिला अधिकारियों के द्वारा भी होगी। हर थाने में महिला कांस्टेबल सुनिश्चित किया गया है कि महिला कांस्टेबल है कांस्टेबल रहे। महिला सब इंस्पेक्टर की संख्या चूंकि अपर्याप्त है इसलिए हर थाने में नहीं है लेकिन हर सब डिवीजन में जरूर है। अगर उस थाने में जरूरत पड़ती है तो कई बार पड़ोस के बगल के थाने से उस विभाग के दूसरे थाने से बुलाया जाता है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला संबंधी अपराधों में जो FIR हो और उसमें प्रारंभिक जो कार्रवाई हो महिला। इंदौर शहर में हत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इंदौर शहर में 12 घंटे के अंदर दूसरी हत्या हुई है। कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी के पास बनी IDA की बिल्डिंग की छत पर महिला की लाश मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले का प्रकरण दर्ज करते हुए संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MVA के अस्पताल भिजवा दिया गया है। कनाड़िया क्षेत्र में भूरी टेकरी पर कमज़ोर वर्ग के लिए जो मल्टी बनाई है शासन के द्वारा वही मल्टी में के छत के ऊपर एक अज्ञात महिला का शव मिला है और जो खून से लथपथ है और ऐसा प्रतीत होता है कि डेथ जो है वो होमिसाइडल प्रकृति की है और पुलिस द्वारा जो है वो अज्ञात महिला चूँकि अज्ञात महिला भी है और वहाँ की परिस्थितियाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मांगकर या इस टाइप से अपना जीवन यापन करने वाली महिला है 30 वर्ष के लगभग की महिला है और पुलिस ने संबंधित संदिग्धों को निगरानी के दायरे में रखते हुए और तलाश कर रही है और बहुत जल्दी जो है घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। तो क्षेत्र में कुछ मिली जानकारी था उसके आसपास के लोग आसपास के लोगों से जानकारी कुछ मिली है और बहुत जल्दी जो है उसका खुलासा किया जाएगा। उज्जैन थाना महंकाल को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती रात थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग भूखी माता रोड के पास झाड़ियों में छुपकर हथियार के साथ बैठे हैं जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बाद टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्तल जो 2 जिंदा कारतूस एक धारदार चाकू और एक सरिया 2 लठ देसी शराब क्वार्टर व अन्य सामग्री मिली है जिसको पुलिस से जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। कल शाम को महाकाल थाने को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि भूखे माता रोड पर वास टावर है उसके समीप झाड़ियों में कुछ लोग शराब पी रहे हैं और उनके पास हथियार है। जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि ये मोहनपुरा ब्रिज से पहले जो पेट्रोल पंप पड़ता है उसको लूटने की योजना बना रहे हैं। इसमें तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई एवं इसमें 2 टीमों का गठन किया गया। टीम द्वारा आरोपियों की घेराबंदी की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल एक धारदार चाकू डंडा लठ और लोहे का सरिया जब्त किया गया। तो इनके कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं लोगों को? इनमें 5 लोगों को पकड़ा गया है। सभी के आपराधिक रिकॉर्ड हैं जिनमें से 2 लोगों पर पूर्व में डकैती की योजना का अपराध भी। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में महिला और 2 साल के बच्चे के कत्ल के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया आरोपी और मृतिका गुना के रहने वाले हैं और कनाड़िया थाना क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करते थे। घटना की रात हुई विवाद के चलते आरोपी ने पहले महिला की हत्या की उसके बाद बच्चे की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिए थे। बता दें इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिचोली मर्दाना तालाब से एक महिला और बच्चे का शव मिला था। महिला के गले में रस्सी कसी होने से पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज तलाशे जिसमें उक्त महिला और उसका बच्चा एक अन्य पुरुष महिला के साथ घूमता दिखाई दिया। उक्त फुटेज के आधार पर पुलिस ने पेम्पलेट तैयार कर इंदौर शहर व आसपास के क्षेत्रों में भेजे जिसके बाद एक व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस ने भैया लाल नामक युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह गुना का रहने वाला है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ भीख मांग कर जीवन यापन करता है। आरोपी मृतिका गायत्री और उसके बच्चे तो गुना से अपने साथ लाया था और भीख मांगने के काम में लगा दिया था। घटना वाली रात मृतिका गायत्री और आरोपी भैया लाल के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपी ने मृतिका का रस्सी से गला बांधकर हत्या कर दी और महिला का शव धर्मशाला के पास ही तालाब में फेंक दिया। उसके बाद मृतिका के 2.5 वर्षीय बालक को भी गला पकड़कर तालाब में फेंकाया।
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ भाग निकला था। 16 तारीख को एक बड़ी सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। एक 22-23 वर्ष की महिला जो कि अज्ञात थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा, दोनों को मृत अवस्था में पानी में तैरते हुए देखा गया। दोनों अज्ञात थे, घटना से जुड़ा हुआ कोई भी जस्मित साक्षी नहीं था, उनकी पहचान अज्ञात थी, इसलिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने उसमें बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई की। इसमें थाना प्रभारी कनाड़िया ने एक टीम बना करके विशेष तौर पर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें मुख्य तौर पर उस महिला की पहचान एक कूड़ा एक आसपास में बेचने वाली एक महिला के रूप में हुआ। अगर उस पूरे घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को देखें तो पाया गया कि कुछ दिनों पूर्व यह महिला उस क्षेत्र में अपने बच्चे के साथ और एक अन्य पुरुष के साथ उस महिला उस क्षेत्र में लगातार घूम रही थी। जब उस युवक के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो कोई जानकारी उसमें नहीं मिली, उस युवक की जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन पुलिस ने कई जगहों पर पूछताछ के आधार पर, जानकारियों के आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर जब काफ़ी मेहनत किया तो इसमें लगातार हमारी टीम ने, एसपी ईस्ट ने, एडिशनल एसपी जोन 3 ने और साथ ही साथ सीएसपी खजराना, सभी लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत किया और लगातार मेहनत के बाद उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की पहचान हो गई जो व्यक्ति उनके साथ देखा गया था। अगर हम देखें तो उस व्यक्ति का गुना का होना प्रारंभिक तौर पर पाया गया, लेकिन उसकी जो पहचान थी पहचान अभी तक अज्ञात थी। बहरहाल पुलिस ने बहुत सारे सूत्रों को जुटाते हुए जब उसमें कार्रवाई की तो अचानक उसके बारे में कुछ सुराग लगा और आज उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसमें ज्ञात हुआ कि महिला भी गुना से थी, आरोपी भी गुना से था और दोनों में 16 तारीख की रात में एक विवाद होने से आरोपी ने गला घोट करके, रस्सी से गला घोट करके उस महिला की हत्या कर दी थी और साथ ही साथ बच्चे की भी हत्या कर दी थी और दोनों को फेंक दिया था। उसमें खास बात जो समझ में आई, जो पूरी तरह से जो जांच में पाया गया कि मुख्य तौर पर महिला जो थी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकी और प्रारंभिक तौर पर उस घटना से जुड़े प्रारंभिक जो विवाद थे उसके बारे में शुरू में भी जो विवाद हुए थे किसी से कोई जानकारी नहीं बता पाई थी। मुख्य तौर पर इस घटना के बारे में कुछ प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी भी मिला है जिसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है और उसके उसमें पूरा विश्व इस समय कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। वहीं भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में कई राज्य आ चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शासन प्रशासन ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बात उद्धम सिंह नगर जनपद के सीमा क्षेत्र खटीमा की करें तो खटीमा में यूपी बॉर्डर पर स्थित 17 मील पुलिस चौकी पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यूपी से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट कर रही है। साथ ही सरकारी अस्पताल में बाहर से आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। खटीमा के कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनी स्वास्थ्य विभाग की टीम के हेड डॉक्टर बीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के फैलने से रोकने के लिए खटीमा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना सैंपलिंग कर रहा है। खटीमा में यूपी से आने वाले यात्रियों के कोरोना टेस्ट करने के लिए यूपी बॉर्डर पर स्थित 17 मील पुलिस चौकी पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। यूपी बॉर्डर पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी से आने वाले 200 से 250 यात्रियों की रोजाना कोरोना टेस्ट के लिए ICRT की सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही खटीमा नागरिक चिकित्सालय में भी बाहर से आने वाले लोग अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग रैंडम टेस्टिंग भी करवा रहा है। कुल मिलाकर खटीमा पर रोज 250 से 300 के लगभग कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसमें हम लोग बड़ी ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सैंपलिंग के लिए बढ़ाने के लिए हमने बॉर्डर पे भी अपनी टीम लगा रखी है, अस्पताल में भी हम रेगुलर सैंपलिंग कर रहे हैं और जो सर्दी जुकाम खांसी वाले जो सिम्टोमेटिक मरीज है उनका फॉलोअप भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ 250 से 300 के बीच में रोज की सैंपलिंग हो जा रही है, RT-PCR की और एंटीजन की अलग हो रही है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि मक्सी रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित शिव एंड फूड्स मिल्क प्लॉट में बड़ी मात्रा में नकली घी का उत्पादन हो रहा है।
सूचना मिलने पर डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा, तहसीलदार पूनम तोमर सहित खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची व घी, मक्खन व मावे का सैंपल लिया व बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने बताया कि जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि यहां नकली बनता है या फिर ओरिजिनल घी बनता है। श्रीविंद फूड्स का जो मिल्क प्लांट है, यहां पर घी, मावा और पनीर वगैरह बनाया जाता है, बेसिकली फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। जानकारी मिली थी कि यहां पर नकली कुछ घी बनाया जाता है, मिलावट की जाती है फूड आइटम्स में, तो उसी के लिए हम लोगों ने यहां पर सैंपल्स लिए हैं और सैंपल की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि ये लोग मिलावट करते हैं या ओरिजिनल फूड पैकेट देते हैं। मैडम, यहाँ 15 बैग कास्टिक सोडा का मिला है, तो क्या आकलन है आपका, क्या इसका इस्तेमाल करते होंगे मिलाने में? अभी तो हमने उनको जब्ती में ले लिया है। इनका कहना है कि हम उनसे प्लांट की वॉशिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो हम जानकारी निकालेंगे और जाँच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। किन किन प्रोडक्ट पर सैंपल लिए गए? हमने अभी घी के सैंपल लिए हैं और उसका बटर जो रहता है वो, मावा और पनीर, चार चीजों के सैंपल। एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता रूप से उपयोग होने पर गंभीर परिणामों को देखते हुए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग विगत 2 वर्षों से प्रयास कर रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2018 में एंटीबायोटिक पॉलिसी का निर्माण किया था, जिसके चलते उज्जैन में अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें बिना डॉक्टर की परमिशन के एंटीबायोटिक लेने के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है। इसी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पलसानिया ने बताया कि लोग थोड़े भी बीमार होने पर हाई डोज एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, जिसके बाद में कई भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आजकल पशुपालन करने वाले भी मुर्गियों व अन्य पशु को एंटीबायोटिक जिससे वे स्वस्थ रहे, इसका भी खासा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके लिए WHO द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक की होने वाली खपत ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब लोगों को जागरूक करने के लिए 3 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। उसके मलेरिया पॉजिटिव आया या टाइफाइड पॉजिटिव आया, अब हमें उसको सुचारू तरीके से दवाई देनी है, समझ रहे आप? पर क्योंकि उस बंदे ने पहले शुरू में दवाइयाँ जो ली थी वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले ली थी, स्टोर से जाके ले ली थी, तो अब जब उस डॉक्टर ने सोचा ही जाना नहीं था, तो डॉक्टर साहब भी थोड़े से डरे, डॉक्टर साहब ये हम ही लोग कि कहीं इसको इस दवाई से असर नहीं हो, तो पता चलता कि हम दो तीन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2017 से वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक का आयोजन किया गया है। इसका मेन जो उद्देश्य था कि एंटीबायोटिक जीवाणुरोधी जो मेडिसिन है उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ हो, ताकि चीज़ें समुचित रूप से उसका यूज़ हो, ताकि चीज़ें इसके कारण जो बढ़ रही रुके। जो जीवाणुरोधी दवाइयाँ रहती हैं उसका चरणबद्ध उपयोग में आना चाहिए, उसे किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ही लेना चाहिए। किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी के लिए अपनी मर्जी से दवाइयों के स्टोर से जाके अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें ये जागरूकता रहनी चाहिए कि कुछ बीमारियां जो सामान्य रहती हैं, जो कि मौसम के कारण रहती हैं, उसमें जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी रहती है कि जिससे कि हम अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी समाज में ये जागरूकता नहीं है। कुछ भी अगर थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो उसको इंसान को ये लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, पर हर बीमारी अपना एक समय लेती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वायरल बीमारी होती है उसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, अगर बुखार भी आता है तो उसके लिए सिर्फ हम बुखार की पैरासीटामोल देना रिकमेंड करते हैं, और 3 दिन तक ये देखते हैं कि अगर ज़्यादा बुखार नहीं है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो जाती है कि 3 दिन बाद वो मनुष्य स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें इस तरह की पेशेंस नहीं रहती है तो वो स्टोर पे चला जाता है और वो स्टोर वाला उसको कहता है कि अरे तुम बीमार पड़ रहे हो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। तो बगैर डॉक्टर की सलाह के, पर्चे के, स्टोर वाला अपनी विवेक से उसको कोई दवाई दे देता है।
जिस तरह से स्टोर से दवाइयाँ ली जाती हैं वो उस तरह के अनुपात में नहीं रहती हैं, उस अवधि के लिए नहीं रहती हैं और उस बीमारी। देश भर में डेंगू के कहर से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग जानलेवा डेंगू से बड़ी मुश्किल से निजात पा पाता था। अब डेंगू के कहर से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली का पालन करने वाले किसानों को एक ऐसी मछली मुहैया कराई है जिससे किसान दोगुनी इनकम के साथ साथ मच्छरों से पनपने वाले डेंगू से भी निजात पा सकेगा। इस मछली को जनपद मैनपुरी के जिला कार्यालय में गोष्ठी कर मत्स्य विभाग ने जिला अधिकारी के नेतृत्व में किसानों को मुहैया कराया है। आज विश्व मत्स्यकी दिवस है 21 नवंबर 2020 को और जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय मुख्य अतिथि एवं मुख्य अधिकारी महोदय सर एक स्टॉल लगाया है। किस चीज का स्टॉल लगाया बाहर? स्टॉल हमारा विभागीय योजनाओं का स्टॉल है और जिसमें हमने जो है कितनी प्रकार की सर मछलियों के स्टॉल लगाए हैं? इसमें हमने जो है 4 प्रकार की मछलियाँ रखी हुई हैं एवं गंबूसिया मछली भी रखी हुई है। ये सर बहुत इम्पोर्टेंट बताई जा रही है जो कि डेंगू के लार्वा को ख़त्म करती है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो आज विश्व मत्स्यकी दिवस के अवसर पर जनपद के 3 मोस्ट जो अच्छे किसान हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए खबर 100 के साथ।